अच्छा, एक कसाई के घर में चूहा बिल बना के रहता था। अच्छा, एक कसाई के घर में एक चूहा बिल बना के रहता था। तो एक दिन चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी मिसेज ने एक बस्ता लेके आया घर पे। वो देखने गया चूहा के लेके क्या है, कुछ मीठा मसाला लेके आया क्या। तो देखता है साला चूहेदानी अंदर से निकाली है। चूहेदानी? अच्छा, पूरा चूहेदानी निकाली है। तो अपना दिन अपना पूरा हुआ, पूरा होने वाला है। उसके घर में क्या, एक कबूतर भी रहता था, एक मुर्गा भी रहता था और एक बकरा भी रहता था। अच्छा, तो वो गया कबूतर के पास। बोले कबूतर भाई, यार लफड़ा होने वाला है। बोला वो कसाई की पत्नी और उसने चूहेदानी लेके आगे आगे। कबूतर बोला, यार ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरे को क्या है। बोला तेरी प्रॉब्लम है, मेरे को क्या है। वो गया उसके बाद मुर्गे के पास। और मुर्गा हंसने लगा, यार क्या कोई बात है क्या, कोई लेना ना देना। लास्ट में वो जाता है बकरे के पास। तो बकरा हंस हंस के लोटपोट हो जाता है। क्या यार, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है। वो साला चूहा बोले, यार साला ये प्रॉब्लम कोई सुनने को तैयार नहीं। रात को क्या होता है, वो चूहेदानी लगी हुई है तो एक सांप उसके अंदर घुस जाता है। अच्छा, जहरीला सांप। तो रात को आवाज आती है तो वो कसाई की औरत जाग जाती है। उसको लगता है कि चूहा अंदर कोई फंस गया। वो जैसे ही उसको हाथ डालने जाती है वो सांप काट जाता है। तो सांप काट जाता है तो तुरंत हकीम के पास जाया जाता है। हकीम के पास जाता है तो थोड़ी देर बैठता है। हकीम बोलता है कि इसको कबूतर का सूप पिलाओ। इसको पहले कबूतर का सूप, पहले कबूतर का सूप पिलाओ, पहले वो बकरा बना। आया कबूतर, अब वो पलीते में कबूतर चल रहा है। थोड़ी ठीक होती है तो उसके रिश्तेदार उसको मिलने आते हैं। फिर मुर्गे के बारी आती है। अब उस दिन मुर्गा दिलाया जा रहा है, मुर्गा खिलाओ। जब पूरी ठीक हो जाती है तो बिरादरी को बुलाता है बकरा। और बकरे को काटा जाता है। तो जब भी इस बार आगे आपको कोई अपनी समस्या बतावे ना, आप ये मत समझ लेना कि ये उसकी समस्या है। समाज का कोई भी अंग अगर तकलीफ में आता है ना, तो ये समझ के चलना सब एक दूसरे के कनेक्टेड है। तो किसी का भी है ना, किसी की भी समस्या को ये मत समझ लेना कि ये उसकी समस्या है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपके ऊपर भी आ सकता है, आपके ऊपर भी आ सकता है। अभी आ रहा हूँ, फोन आ गया। सही है, समस्या हमारी।